तो दोस्तों Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन से वो लॉन्च होने वाले हैं, और फाइनली मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G और Redmi Note 13 Pro Plus 5G, ये जो तीनों स्मार्टफोन्स Redmi के Note 13 सीरीज में लॉन्च होने वाले हैं, इनके पूरे के पूरे जो फीचर्स हैं वो निकल करके आ चुके हैं। साथ में यहां पर प्राइसिंग भी निकल करके आ चुकी है, जो कि आज की वीडियो को बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इसी सितंबर के महीने में लास्ट में चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, और वहीं सेम स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी लॉन्च होंगे। और फाइनली आज यहां पर नोट 13 प्रो, प्रो प्लस और नोट 13 5G स्मार्टफोन के 100% जो स्पेसिफिकेशन है वो निकल कर के आ चुके हैं। सबसे पहले रेडमी नोट 13 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिजाइनिंग सेम होने वाली है तीनों की तीनों स्मार्टफोन में। ऑलरेडी मैं डिजाइनिंग आपको बता चुका हूं, उसी सेम डिजाइनिंग पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। कुछ दिनों में यहां पर इस स्मार्टफोन की जो लाइव इमेज है वो भी कंपनी रिवील करने वाली है, तो वो मैं आपको दिखाई दूंगा। अगर Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, 6.67 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाली है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में। तो डिस्प्ले में Redmi ने काफी अच्छा काम किया है। साथ में इसमें आपको 2.4 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि इस स्मार्टफोन को काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा। साथ में यहां पर बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है। अब यहां पर ये जो स्पेसिफिकेशन है उससे यही कंफर्म हो रहा है कि Redmi Note 13 में भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा, लेकिन जो भी स्पेसिफिकेशन आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 200 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा कहा जा रहा है कि आपको रियर में देखने को मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए होगा। 5000mAh की बैटरी होने वाली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा, साथ में IR ब्लास्टर भी होने वाला है, और यहां पर 1TB तक की स्टोरेज होने वाली, 16GB रैम होगी। तो ये जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो यहां पर निकल के आए हैं Redmi Note 13 स्मार्टफोन के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें आपसे, तो यहां पर Redmi Note 13 Pro के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें आपको MediaTek Dimensity 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। साथ में यहां पर पता जा रहा है कि 67W का फास्ट चार्जर और 5000mAh की बैटरी होने वाली है, और इसमें भी आपको यहां पर काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब कितने मेगापिक्सल का होगा ये इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सारे स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के लिए। Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें, जो कि इस सीरीज का सबसे हाइलाइटिंग वेरिएंट होने वाला है, तो यहां पर इस स्मार्टफोन को कंपनी ने काफी तगड़ा बनाया है। इस स्मार्टफोन में भी आपको 6.67 इंचेस की एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में OLED डिस्प्ले पैनल 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलने वाली है। 200 मेगापिक्सल का वॉइस बेस्ड आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है पीछे की साइड। HP3 का सेंसर होगा। 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल दो और रियर कैमरा देखने को मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। इस स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि पहला स्मार्टफोन है इस नए प्रोसेसर पे लॉन्च होने वाला है। 4880mAh यानी आप कह सकते हैं 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, साथ में 120W का चार्जर मिलने वाला है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है। IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 1TB स्टोरेज और 18GB रैम देखने को मिलने वाली है। तो ये स्पेसिफिकेशन निकल करके आए हैं Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के लिए। तो ये सारे जो तीनों के तीनों स्मार्टफोन, इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी स्पेसिफिकेशन को लेकर के, वो मैंने आपको बता दिया। प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो इन स्मार्टफोन की चाइना प्राइस आने वाली है उसके हिसाब से अगर हम इंडिया प्राइसिंग को कन्वर्ट करें तो बताया जा रहा है कि Redmi Note 13 जो स्मार्टफोन है वो यहां पर लगभग 15,000 की प्राइस पॉइंट के करीब लॉन्च होने वाला है चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में। जो Redmi Note 13 Pro होगा वो अप्रॉक्स 20,000 की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा अगर हम चाइना की प्राइस को इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं। और जो Redmi Note 13 Pro Plus होने वाला है वो अप्रॉक्स 25,000 to 27,000 की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है। तो ये कुछ नई डिटेल है Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेकर के, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।